और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी है और अब फ्रेंचाइजी लेने के बाद कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपनों को स्थापित करने में लगे हैं। वहीं सीएम ने कमलनाथ के नारियल वाले बयान पर भी पलटवार किया। सीएम ने कहा, मैं योजनाओं का शिलान्यास करता हूं इसलिए नारियल लेकर चलता हूं और कमलनाथ ताला लेकर चलते हैं। उनकी सरकार आने पर वो बीजेपी की योजनाओं पर ताला लगा देते हैं। नारियल लेकर चलता हूं, विकास का नारियल। मैं सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सड़कों की योजना बनाता हूं, शिलान्यास करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सीएम राज स्कूल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं मेडिकल कॉलेज खोलता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं ग्लोबल स्किल पार्क बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं नए अस्पताल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। विकास की गंगा बहाता हूं मैं, इसलिए मैं नारियल लेके चलता हूं, फोड़ता हूं। जन कल्याण की योजनाएं बनाता हूं मैं, इसलिए नारियल फोड़ता हूं। लाडली बहना योजना बनाई, नारियल फोड़ा। लाडली लक्ष्मी बनाई, नारियल फोड़ा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, नारियल फोड़ा। कितनी योजनाएं मैंने बनाई, कमलनाथ जी ने क्या बनाया? मैं नारियल लेके चलता हूं तो वो ताला लेके चलते हैं, ताला। और वो ताला सरकार आने पे जो मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। ये कमलनाथ थे, सवा साल सरकार बनी तो बेगा भारिया सहरिया बहनों के आहार अनुदान पर ताला डाल दिया, 1000 रुपया बंद। ये मुख्यमंत्री बने तो संबल योजना पर ताला डाल दिया। मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं उधर, दिग्विजय जी, जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं।